हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकेत रावल सी प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के बारे में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप उसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिए, जिसका एड्रेस है www.spcng.blogspot.com। तो फ्रेंड्स, अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी के बारे में देखेंगे। ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी दोस्तों, उसकी नंबर वन प्रायोरिटी है। इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशन होता है वो सबसे पहले परफॉर्म होता है। उसके बाद उससे लो प्रायोरिटी एक्सपोनेंट की रहेगी, उसके अंदर कैप डॉलर अपर एरो ये सिंबल आ सकते हैं। उसके बाद उससे लो प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन और डिविजन की रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिविजन दोनों की प्रायोरिटी सेम रहेगी। बहुत से स्टूडेंट्स में ये गलत फहमी रहती है कि डिवीजन की प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा है, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम रहेगी, सेम टू सेम। उससे लो प्रायोरिटी पे नंबर फोर पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रायोरिटी रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर नंबर वन का मतलब है हाईएस्ट प्रायोरिटी, नंबर फोर का मतलब है लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नंबर वन पे जो है उसकी प्रायोरिटी हायर है नंबर टू से, नंबर टू की प्रायोरिटी नंबर थ्री से हायर है और नंबर थ्री की प्रायोरिटी नंबर फोर से हायर है। नंबर वन की प्रायोरिटी टू थ्री एंड फोर से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसी प्रायोरिटी को फॉलो करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में क्या होता है दोस्तों, जो भी ऑपरेंड होता है और वो ऑपरेंड के आगे जो भी ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड के बाद चला जाता है। यानी यहाँ पे ऑपरेंड है ए और बी, बीच में सिंबल है प्लस, तो ये प्लस का सिंबल यानी कि ये ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद चला जाएगा, आंसर मुझे मिलेगा ए बी प्लस। सेम टू सेम ए इंटू बी प्लस सी है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम प्रायोरिटी चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है तो आंसर मुझे मिलेगा ए बी स्टार। ठीक है, फिर सी प्लस मिलेगा, तो स्टार पहले बी के पीछे जाएगा तो ए बी स्टार होगा, फिर इन दोनों के बाद जो भी सिंबल है प्लस आया जो आएगा वो सी के पीछे चला जाएगा, सी प्लस होगा। सेम टू सेम ए प्लस बी इंटू सी है, तो यहाँ पर सबसे पहले बी और सी में पोस्टफिक्स कन्वर्जन होगा, यानी कि बी सी स्टार होगा, उसके बाद प्लस उसके पीछे चला जाएगा, तो आंसर मुझे मिलेगा ए बी सी स्टार प्लस। दोस्तों, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बाद भी इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑपरेटर ज़्यादा है इक्वेशन के अंदर तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन इसमें बढ़ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टैक से। स्टैक से सॉल्व करना इसको बहुत आसान रहेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता स्टैक के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टैक को यूज़ करने से पहले उसके अंदर सारे केसेस देखते हैं। दोस्तों, स्टैक के अंदर सिर्फ ऑपरेटर ही स्टोर होगा, यानी उसके ऊपर ही पुश और पॉप ऑपरेशन होगा। हम ऑपरेंड के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं करेंगे। जब भी मेरे पास ऑपरेंड आएगा तो मैं उसको डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑपरेशन हमें सिर्फ ऑपरेटर के ऊपर ही करना है, यानी कि पुश और पॉप ऑपरेशन सिर्फ ऑपरेटर के ऊपर करना है। तो सबसे पहला केस देखते हैं, अगर स्टैक एम्प्टी है, यानी कि यहाँ पर एम्प्टी स्टैक है, तो जो भी ऑपरेटर आता है उसको मैं पुश करूँगा। अगर ऑपरेटर की प्रायोरिटी हायर है जो लास्ट में इंसर्ट हुआ था उस ऑपरेटर से, यानी कि प्लस ऑलरेडी स्टैक के अंदर इंसर्ट था और उसके ऊपर डिवीजन अगर आता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये डिवीजन के ऊपर हम पुश ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि डिवीजन उस टैग के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी कि इंसर्ट होगा। दोस्तों, अगर जो ऑपरेटर आता है उसकी प्रायोरिटी सेम है, यानी कि फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिवीजन आता है या फिर प्लस के ऊपर माइनस का सिंबल आता है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो जो लास्ट में इंसर्ट हुआ था वो ऑपरेटर पहले पॉप होगा, उसके बाद नया ऑपरेटर इंसर्ट होगा, यानी कि जो स्टार जो था यानी कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये पहले डिलीट होगा, उसके बाद ये डिवीजन का सिंबल इंसर्ट होगा स्टैक के अंदर। सेम टू सेम यहाँ पर भी दोस्तों प्लस है, प्लस के ऊपर माइनस आएगा, दोनों की सेम प्रायोरिटी, तो प्लस पॉप होगा यानी कि डिलीट होगा और माइनस इंसर्ट होगा। दोस्तों, अगर लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर आता है हायर प्रायोरिटी के ऊपर, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन के ऊपर प्लस आता है या फिर डिवीजन के ऊपर यहाँ पर प्लस आता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऊपर प्लस जब भी आएगा तो ये मल्टी सिंबल पॉप होगा और प्लस इंसर्ट होगा। डिवीजन के ऊपर प्लस आता है तो डिवीजन पहले पॉप होगा यानी कि ये डिलीट होगा और प्लस इंसर्ट होगा। अगर दोस्तों हमारे पास कोई भी ऑपरेंड नहीं बचा, इक्वेशन के कोई भी ऑपरेंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी सिंबल्स
स्टैक के अंदर है उसको हम पॉप आउट करेंगे। माइनर स्टैक का क्या है, लीफ माइनर है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से ही हम उसको रिमूव करेंगे। दोस्तों अब वही सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, ए प्लस बी इंटू सी वाला। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर ऑपरेंड आता है तो उसको क्या करना है, उसको सबसे पहले प्रिंट करना है। तो ए आएगा तो ए को मैं प्रिंट करूँगा, प्लस आएगा स्टैक एम्प्टी है यानी कि स्टैक खाली है, तो स्टैक के अंदर मैं प्लस को इंसर्ट करूँगा यानी पुश ऑपरेशन होगा प्लस के ऊपर। बी ऑपरेंड आएगा तो बी प्रिंट होगा, स्टार आएगा तो अब ऑपरेट प्रायोरिटी चेक करो, कंपेयर करो, मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है तो ये इंसर्ट होना चाहिए स्टैक के अंदर, तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल इंसर्ट हो जाएगा स्टैक के अंदर। ठीक है, अब सी आएगा तो सी मैं सी को प्रिंट करूंगा। अब कोई भी ऑपरेंट नहीं बचा तो हम लीफो मैनर के हिसाब से इसको पॉप करेंगे, यानी कि अब कोई है नहीं ऑपरेंट ऑपरेटर, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट में ऑपरेटर जो था उसके हिसाब से उसको रिमूव करेंगे। यानी कि सबसे अभी कौन है, सबसे पहले रिमूव कौन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले रिमूव होगा, इसको डिलीट करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे, उसके बाद प्लस, प्लस डिलीट होगा और ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आंसर मुझे मिलेगा ए बी सी स्टार प्लस। ठीक है दोस्तों, तो इससे आगे एक और एग्जांपल देते हैं इससे बड़ा। दोस्तों ये इक्वेशन है ए प्लस बी इंटू सी ऑब्लिक डी माइनस ई। दोस्तों अगर इसको सॉल्व करते हैं, दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ए आएगा तो ए प्रिंट होगा, ऑपरेटर आएगा प्लस तो ये स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएगा क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, यानी कि प्लस के ऊपर पुश ऑपरेशन होगा। उसके बाद बी आएगा तो बी को हम प्रिंट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आएगा उसे उसकी प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है तो ये स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सी आएगा तो सी स्टोर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर डिवीजन का सिंबल आ रहा है मेरे पास, अब ये डिवीजन का सिंबल स्टैक में स्टोर करने पहले पे चेक करेंगे, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, डिवीजन है यहाँ पर है और ये मल्टीप्लिकेशन है, दोनों की प्रायोरिटी सेम, तो क्या करना है, ये मल्टी सिंबल या ये पॉप होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले पॉप ऑपरेशन करना है ओल्ड ऑपरेटर के ऊपर, उसके बाद ही ये इंसर्ट होगा। यानी कि सबसे पहले स्टार को डिलीट करेंगे, फिर उसको प्रिंट करेंगे और डिवीजन को इंसर्ट करेंगे। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेम प्रायोरिटी स्टैक में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डी आएगा तो डी को प्रिंट करेंगे, अब उसके बाद माइनस आएगा तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, जब माइनस आएगा तो माइनस की प्रायोरिटी डिवीजन से बहुत कम है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जितने भी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर वो डिलीट होना चाहिए हायर प्रायोरिटी वाला, तो डिवीजन डिलीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं डिवीजन को डिलीट करता हूँ और डिवीजन को प्रिंट करता हूँ। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर माइनस आएगा तो उसके बाद और भी एक ऑपरेटर बचेगा प्लस, तो प्लस और माइनस यहाँ पर दोनों की प्रायोरिटी सेम रहेगी, यानी कि माइनस और प्लस की प्रायोरिटी दोनों की सेम है, तो प्लस भी डिलीट होना चाहिए उसके बाद ही माइनस इंसर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस को भी डिलीट करूँगा और प्लस प्रिंट करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब माइनस इंसर्ट होगा, उसके बाद ई आएगा, ई को मैं प्रिंट करूँगा। अब इसके बाद कोई भी ऑपरेंड या ऑपरेटर नहीं बचा इक्वेशन के अंदर, तो हम स्टैक में जितने भी ऑपरेटर है उसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे एक ही ऑपरेटर बचा है तो मैं इसको पॉप आउट करूँगा, तो आंसर ये मैं माइनस को डिलीट करूँगा और आंसर मुझे मिलेगा ये ए बी सी स्टार डी डिवीजन सिंबल यानी ऑब्लिक प्लस ई माइनस ई आंसर मिलेगा। तो दोस्तों ये भी एक सिंपल एग्जांपल था, अब नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम इससे भी थोड़ा बड़ा एग्जांपल देखेंगे, तो एक टेबल फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे, वो बहुत आसान तरीका रहेगा सबसे बड़ा इक्वेशन को सॉल्व करने का। दोस्तों यहाँ पर हम इक्वेशन ले रहे हैं ए ऑब्लिक बी डॉलर साइन यानी कि एक्सपोनेंट सिंबल सी प्लस डी इंटू ई स्लैश एफ माइनस जी प्लस एच। दोस्तों आप जानते हो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एक्सपोनेंट की रहेगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, और उसके बाद प्लस और माइनस की रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म के अंदर इन सभी सिंबल को एक तरफ लिख देते हैं, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे इक्वेशन को दोस्तों स्टैक के अंदर सिर्फ ऑपरेटर जाता है, ऑपरेंड नहीं, यानी कि ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेशन होता है, ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन नहीं होता। तो मैं यहाँ पर स्टैक के अंदर एम्प्टी रहेगा और यहाँ पर ए को मैं डायरेक्ट प्रिंट करूँगा एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ए प्रिंट हो गया। अब उसके बाद डिवीज़न आता है तो मैं डिवीज़न को स्टैक के अंदर इंसर्ट करूँगा क्योंकि ये स्टैक एम्प्टी स्टैक है, तो यहाँ पर इंसर्ट होगा और एक्सप्रेशन वही रहेगा। बी आएगा तो बी को मैं डायरेक्टली प्रिंट करूंगा, स्टैक तो वही रहेगा। अब डॉलर साइन आएगा तो डॉलर की प्रायोरिटी
डिवीजन के सिंबल से ज़्यादा है, तो यहाँ पर डिवीजन के बाद डॉलर इंसर्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स, और आंसर वही रहेगा। सी आएगा तो सी बी डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, स्टैक में वही रहेगा और ए बी सी एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा। अब जब दोस्तों प्लस आएगा यहाँ पर, तो ये दोनों पहले डिलीट हो जाने चाहिए, क्योंकि प्लस जब भी आएगा तो प्लस की प्रायोरिटी डॉलर और डिवीजन दोनों से कम है, तो ये दोनों निकल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं प्लस को इंसर्ट करता हूँ और इन दोनों को प्रिंट भी कर देता हूँ, तो ए बी सी डॉलर स्लैश यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जब ब्लड प्लस आया तो इन दोनों की प्रायोरिटी ज़्यादा थी प्लस से, तो प्लस इन दोनों को रिमूव करेगा। बाद में डी, तो अभी स्टैक के अंदर से प्लस है तो डी आएगा, तो मैं डी को प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो वो प्लस के बाद वो इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि वो प्लस और उसके बाद इंसर्ट होगा मल्टीपल सिंबल, तो इक्वेशन वही रहेगा। ई आएगा तो मैं ई को प्रिंट करूँगा, स्टैक में तो वही ऑपरेटर्स रहेंगे, डी ई प्रिंट हो गया, ई लास्ट में यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर डिवीजन का सिंबल आ रहा है, तो डिवीजन और ये मल्टीप्लिकेशन दोनों की प्रायोरिटी सेम, तो डिवीजन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को रिमूव करेगा, प्लस को नहीं, क्योंकि प्लस की प्रायोरिटी डिवीजन से कम है, तो डिवीजन इसको रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ये सिर्फ पॉप होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ही पॉप होगा, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है इस वजह से। तो यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे ये स्लैश आ जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन ई के पीछे प्रिंट हो जाएगा, तो ये ए बी सी डॉलर स्लैश डी ई, ये जो स्टार था ये यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टैक के अंदर सिर्फ और प्लस और डिवीजन रहेगा, उसके बाद ऐप आएगा, तो ऐप को मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस आएगा, अब दोस्तों माइनस की प्रायोरिटी डिवीजन से कम है, तो डिवीजन पॉप होगा। डिवीजन पॉप होने के बाद प्लस के साथ उसकी प्रायोरिटी चेक करते हैं, तो प्लस और माइनस दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो प्लस भी पॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले पॉप कौन होगा? डिवीजन, उसके बाद पॉप कौन होगा? प्लस, और उसके बाद माइनस इंसर्ट होगा। तो मैं यहाँ पे माइनस को इंसर्ट करता हूँ और इन दोनों को पॉप करने के बाद यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो डिवीजन भी आ गया यहाँ पर ऐप के बाद और ये प्लस आ गया, क्योंकि ये माइनस आया यहाँ पर, माइनस की प्रायोरिटी डिवीजन कम है, तो डिवीजन भी पॉप हुआ। तो सबसे पहले पॉप सॉरी डिवीजन जो है वो सबसे पॉप होके प्रिंट हुआ, उसके बाद माइनस यहाँ पे आया, तो प्लस और माइनस दोनों की प्रायोरिटी सेम, तो प्लस भी पॉप हो गया और यहाँ पे प्रिंट हो गया और माइनस यहाँ पे इंसर्ट हो गया। उसके बाद जी ऑपरेंड है तो उससे प्रिंट होगा, स्टैक में सिर्फ माइनस रहेगा, मैं जी को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो जी यहाँ पे आ गया, तो उसके बाद अगेन प्लस आता है, तो प्लस और माइनस दोनों की प्रायोरिटी सेम रहेगी दोस्तों। तो अब आपको पता है क्या करना है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो माइनस पॉप होगा और ये प्रिंट करेगा यहाँ पर लास्ट में, और प्लस इंसर्ट होगा, तो प्लस को इंसर्ट करता हूँ और माइनस को पॉप करता हूँ, तो ये पॉप होके यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद एच को इंसर्ट करते हैं, तो एच प्रिंट होगा, स्टैक में सिर्फ प्लस रहेगा, तो एच यहाँ प्रिंट हो गया। अब लास्ट में कोई भी ऑपरेटर या ऑपरेंड नहीं बचा, तो दोस्तों क्या करना है, जो भी स्टैक में बचा है उसी को हम डायरेक्टली पॉप करेंगे, यानी कि ये प्लस है, यानी स्टैक को एम्प्टी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और प्लस जो होगा वो लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। तो स्टैक यहाँ पे एम्प्टी हो गया, क्योंकि यहीं पे एक ही सिंबल था, तो जितने भी होंगे वो लिफो मैनर में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। यानी पॉप होने के बाद ये आंसर मुझे मिलेगा, फाइनल आंसर ए बी सी डॉलर स्लैश डी ई इंटू एप स्लैश प्लस जी माइनस एच प्लस, ये फाइनल आंसर ये रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर इसके अंदर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए।